मेरा नाम आनंद करवा है। मैं बाय प्रोफेशन सीए हूँ। मैं डॉक्टर जाकिर साहब को दुबई से जानता हूँ। वहाँ पे मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड था, उसने आपके बारे में मुझे बताया था। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस्लाम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियों को दूर किया है। मेरी मुसलमानों के बारे में जो अच्छी बातें हैं वो ये हैं कि मुसलमान लोग ज़्यादातर झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, दूसरे का पैसा भी नहीं खाते हैं। लेकिन मुझे एक बात मुसलमानों से कहनी है कि वो लोग गाय का मांस क्यों खाते हैं? आनंद भाई ने सवाल किया। वो कहते हैं कि वो मुझे दुबई से जानते हैं माशाल्लाह, और कई सालों से मेरे तकरीर सुन रहे हैं, और वो कहते हैं कि उनके तजुर्बे के हिसाब से वो समझते हैं कि मुसलमान अच्छे लोग हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी का पैसा नहीं खाते। लेकिन एक उनको मुसलमानों के बारे में एक चीज़ जो खटकती है कि मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते, वो उनका सवाल है। मैं पहले बोलना चाहता हूँ भाई साहब आनंद जी कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी होने के बाद भी। अ मुस्लिम कैन बी अ गुड मुस्लिम इवन बाय बीइंग अ प्योर वेजिटेरियन। शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान 100% अच्छा मुसलमान रह सकता है। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला हमारा रब, हमारा खालिक, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप उन चार पायों जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं। कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी, और आप इनका गोश्त खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुबहाना व ताला हमारा खालिक, हमारा मालिक कहता है कि आप गोश्त खा सकते, तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए? मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि आज की साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म में हमको प्रोटीन की जरूरत है, कम से कम 23 एमिनो एसिड की जरूरत है। यही 23 में से 8 एमिनो एसिड हमारे जिस्म में नहीं बनते, उसके लिए फर्ज है कि ये हमारे खाने में हमें ये एमिनो एसिड मिलना चाहिए। कोई भी शाकाहारी, कोई भी भाजीपाला नहीं है जिसमें आटों के आटों एमिनो एसिड मौजूद है। फ्लैश में, गोश्त में आटों एमिनो एसिड मौजूद है। इसे साइंस कहती है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट फूड। आज साइंस ये कहती है कि फ्लैश फूड में, गोश्त में प्रोटीन है, नियासिन है, विटामिन B1 है, इससे सेहत अच्छी बनती है। और आज आप देखेंगे जो जानवर जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ भाजीपाला खाते हैं, भेड़, बकरी, गाय, आप देखेंगे इन जानवरों के दांत इनके चपटे हैं, उनके पास हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ है। ये सिर्फ भाजीपाला खाते गोश्त खा ही नहीं सकते। जब आप देखेंगे मांसाहारी जानवर के दांत, शेर, शेरे बब्बर, चीता, उनके नोकीली दांत होते हैं, ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजीपाला खा ही नहीं सकते। जब आप अपने दांत आईने में देखेंगे तो भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे खालिक ने हमें दोनों दांत दिए हैं, चपटे दांत भी दिया है और नोकीले दांत भी दिया है। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजीपाला खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है कि हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय, भेड़, बकरी के, वो सिर्फ भाजीपाला डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते।
जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोरस एनिमल का है, चीता, शेर, शेर बब्बर, ये सिर्फ गोश्त डाइजेस्ट कर सकते, भाजीपाला नहीं। लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ताला ने, हमारे ईश्वर ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया है, बिग इंटेस्टाइन भी दिया है, हम भाजीपाला भी डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकते। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजीपाला खाए, तो हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया जो गोश्त को भी डाइजेस्ट कर सकता है? तो साइंटिफिकली हमारा जिस्म हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम भाजीपाला भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और बहुत लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। भाई आप हिंदू है ना, है आपके ना? नाम से लगता है आप हिंदू है। हिंदू है ना सर जी, हिंदू ही है। आप हिंदू है ना? हाँ बिल्कुल सही, आपके नाम से लग रहा है, आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलत फहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपके मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए, सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए, तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग, तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे, आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा, युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजीपाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे, अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे, 1 साल। क्या दूध की बात कर रहा है सर? आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसेरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है, क्या चाहते हैं, भाजीपाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मजाहिब से प्रसन्न हुए, मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजीपाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजीपाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है,
तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है, तरक्की करने के बाद आज साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है, तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस लेस या 2 सेंसेस वो नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में, 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दिए उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है, तो आपको आपकी मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए, तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं, ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे हैं, तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में ये है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।